हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोटली कबाड़ से जुगाड़, यानी कि अगर आपके पास गमले नहीं हैं, पौधे नहीं हैं, प्लांट नहीं है, जगह नहीं है, तो सारा ही सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, आपके भी घर में इस तरह से बेकार बेकार डलियाँ निकलती होंगी। इनका यूज़ आप अपने प्लांट को लगाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही चीप आइडिया होता है, बहुत ही चीप वो होता है। दूसरा, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के ऑयल कैन जो आपके भी घर में निकलते हैं, तो इन ऑयल कैन में देखिए आप एक काट कटिंग कहीं से मनी प्लांट की अगर आपको मिल गई है, तो उससे आपका प्लांट बहुत बुशी हो जाता है और आप फिर टाइमली उसकी छोटी छोटी सी कटिंग निकाल निकाल के आपको जहाँ जहाँ जगह मिले जैसे आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आप फ्री में प्लांट लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऑयल कैन है में मैंने के ये पर्पल हार्ट और ये मनी प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। ये भी फ्री में, दोनों ही प्लांट मेरे फ्री के हैं, मेरा प्लांटर फ्री का है, सारा कोई भी खर्चा नहीं, एकदम जीरो बजट गार्डनिंग है। तो इस तरह से बेकार में निकली निकली चीज़ों का यूज़ आप अपने गार्डन में करके फ्री में अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल पैसा क्यों खर्च करना, क्योंकि फ्रेंड्स गार्डनिंग में तो वैसे ही बहुत सारा खर्चा होता है। आगे भी मैं आपको अपने दूसरे जुगाड़ दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ, ये जो पेप्सी वाली बॉटल्स होती हैं उनका ऊपर का पोर्शन कट कर करके, ये देखिए मेरे यहाँ ये लोहे का ऐसा ग्रिल था, तो इसके ऊपर मैंने इन सब कटे हुए पोर्शन को, देखिए इसमें सारे में मैंने मॉस रोज की कटिंग लगा रखा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारी ही कटिंग मेरे कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। ये देखिए इसमें पर्सलेन लगाया हुआ है, ये भी बहुत आसानी से चल रही। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि एक बार इनकी छोटी सी भी कटिंग मिल जाए। और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, ये सारा देखिए फ्री का स्टैंड मैंने कैसे बनाया है, दो ईंटों को जोड़कर। ये टाइल्स के पीसेस थे जो पड़ा हुआ था, मेरे पास एक पीस था इसका फ्रेंड्स, इसको मैंने लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इधर 5 लीटर वाला ऑयल कैन है, इससे मैंने देखिए डक बनाया है और इसमें जेड की कटिंग लगा रखा है। देखिए ये कितने ईजली में, कितने आसानी से ये ग्रो हो रही है और ये कितना खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। आगे आपको दिखाती हूँ जो 10-10, 20-20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना फ्रेंड्स, देखिए उनका यूज़ करके मैंने इस तरीके से अपने गार्डन में एक छोटा सा कॉर्नर तैयार किया हुआ है। देखिए ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये लगता है। अब इस टाइम तो मैं शाम में वीडियो ले रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जब मॉर्निंग में ये सारे में फ्लावर्स खिले होते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी जुगाड़ से, घर से बेकार में निकली हुई चीज़ का यूज़ करके गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा एक 5 लीटर का ऑयल कैन है, जिसको मैंने अच्छे से DIY करके, और इसमें देखिए मैंने मैक्सिकन पिटूनिया लगा रखा। इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल से देखिए मैंने एक झूला प्लांटर, आप इसे कह सकते हैं, ये बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए फ्री का ही है सब कुछ, फ्री के प्लांट, फ्री के प्लांटर और फ्री की खाद, फ्री का स्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने मॉस रोज की कटिंग्स को लगा रखा है और देखिए सब कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेकार में निकली हुई चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी ना फेंकिए और इनको अपने गार्डन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इधर देखिए ये दूसरा मैंने प्लांटर बना रखा है, ये भी फ्रेंड्स मेरा फ्री का वही 2 लीटर वाली बॉटल है, उसको मैंने देखिए इस लुक में कट किया। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल से मैंने ये देखिए डॉल प्लांटर बनाया हुआ, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है ये प्लांटर देखने में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग, इसमें देखिए मैंने एक में मॉस रोज लगा रखा है और दूसरे में मैंने पर्सलेन की कटिंग लगा रखा है। तो ये सब देखिए एकदम फ्री में लगने वाले प्लांट है और आपके गार्डन को एक खूबसूरत सा लुक देते हैं। अगर आपके पास ज़मीन में रखने की जगह नहीं तो आप इनको दीवार पे हैंग कर दीजिए। ये प्लांट भी देखिए फ्रेंड्स मुझे फ्री में ही मिला, मेरी एक आंटी है उन्होंने मुझे ये प्लांट दिया हुआ है। ये भी देखिए मैंने फ्री का वो जो चॉकलेट वगैरह का डिब्बा निकलता है उसको अच्छे से कलर करके देखिए मैंने इसकी कटिंग को उस वाले प्लांटर में लगा रखा है। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं फुल डे सनलाइट में ये सारे प्लांटर मेरे रखे रहते हैं और कितने
अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इधर भी देखिए मैंने एक 5 लीटर वाले ऑयल कैन का यूज़ करके देखिए इस तरह से मैंने प्लांटर बनाया है, और इसमें भी देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। मैंने इसमें जेड की कटिंग्स को लगा रखा और देखिए सारी ही कटिंग अच्छे से चल गई हैं, सब में रूट्स डेवलप हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेकार में निकली हुई चीज़ों का आप अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ करिए। ये देखिए ये सब जो 20-30 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, इन सब में देखिए मैंने रैबिट बना रखा है। इसको भी फ्रेंड्स मैं जल्दी ही अपने गार्डन में वॉल पे इन सबको भी हैंग करने वाली हूँ, तो ये और प्यारा लगेगा। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ये आटे की बोरियों में भी आप प्लांट लगा सकते हैं, सर्फ का पैकेट यूज़ कर सकते हैं। इधर देखिए दूसरा जो ऑयल कैन प्लांटर है, इससे मैंने देखिए ये डक प्लांटर बनाया हुआ है। इसमें एक में मैंने जेड की कटिंग को लगा रखा और दूसरे में देखिए मैंने मॉस रोज की कटिंग लगा रखा है। ये भी देखिए कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते, तो ये वीडियो फ्रेंड्स वो लोग भी देखें और देख के समझ लें कि प्लास्टिक बॉटल, इनफैक्ट फ्रेंड्स मैं तो वो जो नर्सरी वाला पॉली बैग होता है मैं उसको भी नहीं फेंकती हूँ। देखिए उसमें मेरे ट्यूब रोज यानी रजनीगंधा के बल्ब्स लगे हुए हैं और देखिए सब कितने हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये देखिए एक मैंने बॉटल्स को कट किया था तो ये उसका ऊपरी पोर्शन है, इसमें भी मैंने कटिंग्स को लगा रखा है। इधर भी देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ एक कटिंग को लगा रखा है ये सारे प्लांटर में भी। इधर देखिए स्टेयर्स पे मैंने एक ये वाला जो पेंट का डिब्बा होता है इसमें देखिए फ्रेंड्स मैंने आपका स्नेक प्लांट लगा रखा और ये देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। बस मैं वाटरिंग इसमें हर 2 से 3 दिन में करती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी अपने गार्डन में ज़रूर जुगाड़ करिए और फ्री की गार्डनिंग करिए, क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करना। और ये मेरा ये वाला प्लांटर जो है फ्रेंड्स ये मेरा बहुत ही खूबसूरत मेरा फेवरेट प्लांटर है आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अगर जगह नहीं है तो आप इन सबको दीवार में ऐसे हैंग कर दीजिए किसी भी वो जो इलेक्ट्रिक वाली क्लिप होती है उनकी हेल्प से। तो इस तरह से फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग भी फ्री में गार्डनिंग करिए। नीचे जगह नहीं है आपके पास, ऐसे आप दीवारों में पिन लगा लगा के अपने प्लांटर को रस्सी से बांध के हैंग कर दीजिए, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और आपकी फ्री की गार्डनिंग भी होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जुगाड़ मेरे गार्डन पे, इन सब की कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स मेरे गार्डन पे हुई है, जिनको के इन सब को मैंने कैसे बनाया है। तो अगर आपको इसमें से कोई सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल पे जाके उनकी उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कैसे कट किया, कैसे पेंट किया, किस तरह से मैंने ड्रॉ किया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे है जिसको आप जाके देख सकते हैं। होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम की लगी होगी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्री में गार्डनिंग करना। और इधर भी देखिए ये कुछ पेंट के जो डिब्बे होते हैं इन सबको भी देखिए मैंने पेंट करके इसमें ये देख रहे हैं ये जो हड़िया होती है इसमें भी मैंने प्लांट लगाया हुआ है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स फ्री में आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं और ऐसे ही अपने प्लांटर बना सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी आप साफ सुथरा और अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और खुश रहिएगा और ऐसे ही फ्री में गार्डनिंग करिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।